नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारे वार्षिक और मासिक कार्यक्रम हुआ करते हैं या कभी भी कोई ग्रह राशि बदलता है तो कार्यक्रम होते हैं, परंतु हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं ज्योतिष के वैदिक सिस्टम के ऊपर, पराशरी सिस्टम पर और लग्न के ऊपर आधारित होते हैं। जिससे जब भी आपको लग्न का तात्पर्य है आपका, आपकी बर्थ डिटेल्स के ऊपर आधारित जो कुंडली बनती है उसके ऊपर आधारित होते हैं। उसका आपको लाभ ये मिलता है कि आपको जो उपाय बताए जाते हैं, मंत्र से जुड़े हों, दान से जुड़े हों या रत्न से जुड़े हों, सभी प्रभावी होते हैं, त्रुटिहीन होते हैं। सिर्फ जो राशि के ऊपर जो प्रेडिक्शन दी जाती हैं उनमें रत्न इत्यादि को धारण करना तर्कसम्मत नहीं है, वेद सम्मत नहीं है, त्रुटि होने की, नुकसान होने की संभावना रहती है। तो हमारा जो मासिक कार्यक्रम होता है, अब आज मैं आपके साथ सूर्य का जो कर्क राशि में भ्रमण है जिसे संक्रांति नाम से भी जाना जाता है, 17 जुलाई को होने जा रहा है, 17 जुलाई से 17 अगस्त तक, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये जो तारीख है 17 जुलाई को सूर्य दक्षिणायन में भी प्रवेश करेंगे। दक्षिणायन में ये 17 जुलाई से और 14 जन्म तक रहेंगे और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि और असुरों का दिन माना जाता है। तो इसके ऊपर हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और नवग्रह मंथन चैनल को बेल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और आप इसको देखें, इसको लाइक करें। अब मैं आपके साथ सूर्य का जो ये भ्रमण होने जा रहा है कर्क राशि में 17 जुलाई 17 अगस्त हर लग्न पे कर रहे हैं, मीन लग्न जो आखिरी है उस पर क्या असर होगा ये बात करने जा रहा हूँ। मीन लग्न के ऊपर सूर्य कर्क राशि में भ्रमण का क्या असर होगा ये बात करने जा रहा हूँ। आपका मीन लग्न है या नहीं इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दे। यदि बीच के खाने में 12 नंबर मीन या पाइसेस लिखा तो आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? दी, दू, था, गया, या, दे, दो, चाची, ये नाम के अक्षर हैं। इन 30 दिनों में सूर्य के अतिरिक्त सूर्य मीन लग्न में शत्रु भाव, बीमारी के भाव, छठे स्थान का मालिक हैं। पंचम भाव में यानी जो बुद्धि बल की जगह पे जा रहे हैं तो थोड़े मानसिक तनाव देंगे। कुछ और ग्रह इस प्रकार हैं, मानसिक शांति, माता, प्रॉपर्टी, विवाह, व्यापार का ग्रह बुध जो हैं ये पंचम भाव में 17 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में होंगे। 24 जुलाई से 17 अगस्त के बीच में ये छठे स्थान में चले जाएंगे, यानी थोड़ा सा विपरीत जगह पे चले जाएंगे, तनाव बढ़ेंगे। माता को, संपत्ति को, व्यापार को, मैरिड लाइफ को लेकर तनाव बढ़ेंगे। एक ग्रह और हैं शुक्र, वो भी राशि बदल रहे हैं। वो 17 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में छठे स्थान पे होंगे जो थोड़ा ठीक है। 7 अगस्त से और 17 अगस्त के बीच में पंचम भाव में आके थोड़े से विपरीत हो जाएंगे, मानसिक तनाव में वृद्धि देंगे। साथ में ये 3 से 18 अगस्त में सूर्य के बहुत नज़दीक होने से अस्त भी हो जाएंगे, बहुत अधिक ज्वलनशील होंगे, तो इसलिए लीवर के ऊपर, माइंड के ऊपर मानसिक तनाव बढ़ेगा। गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी का समय होगा। मीन लग्न में सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए नेगेटिव रहेगा, उसका कारण ये है कि जो लग्नेश गुरु हैं उसके ऊपर शनि की दृष्टि है तो रंग थोड़ा सांवला होने लगेगा, घुटनों में, गर्दन में दर्द होना, पेट में थोड़ी सी समस्या होना और एलर्जीज इत्यादि का थोड़ी सी समस्या होना, विशेष करके 24 जुलाई के उपरांत। जो लोग पहले से ही जोड़ों से, रक्तचाप से और लीवर से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित हो रहे हैं, और जिनको डायबिटीज़ या किडनी या बैक पेन की, उनकी समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती हैं। खास करके 3 से 18 अगस्त के बीच में लीवर से जुड़ी समस्या, बैक पेन से जुड़ी समस्या या हार्ट से जुड़ी समस्या, इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। 7 तारीख के उपरांत जो है प्रेगनेंसी के ऊपर विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। ओल्ड एज के लोगों को हार्ट के लिए, डायबिटीज़ के लिए, किडनी के लिए और जॉइंट्स के लिए, रक्तचाप के लिए, न्यूरो सिस्टम के लिए और नर्व जो हैं घुटनों की, बैक की, उसके लिए, स्किन के लिए, विशेष रूप से किडनी के लिए यानी गुर्दों के लिए और डायबिटीज़ के लिए सावधानी रखनी होगी।
जीवन का अगला भाग है धर्म भाग्य शिक्षा। धर्म की बात करें तो आस्था कम रहेगी, यात्रा करना शुभ नहीं रहेगा, बचिएगा। विशेष रूप से शनि मंदिरों का, दुर्गा मंदिर का, या देवी मंदिरों का, या भगवान विष्णु या गणेश मंत्रों की यात्रा थोड़ा टाल दीजिएगा गृह स्थिति को देखते हुए। भाग्य साधारण रहेगा, विदेश में ज़्यादा अच्छा रहेगा। विशेष करके आपका भाग्य 7 अगस्त तक विदेश में ठीक रहेगा, उसके उपरांत थोड़ा दुर्बल हो जाएगा। कर्म को आपको प्रधानता देनी पड़ेगी भाग्य के ऊपर, और यद्यपि दोनों भी क्या, फिर भी कर्म से भाग्य की तुलना में आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, कर्म ज़्यादा आवश्यक रहेगा। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा जो है आपके लिए मंगल की जो स्थिति है उसको देखते हुए विदेश में शिक्षा जो ज़्यादा शुभ लग रही है। विदेश में यदि आप मेडिसिन, इंजीनियरिंग कोई भी पढ़ाई कर रही हो अच्छे रहेगी, परंतु खर्चे ज़्यादा आएंगे शिक्षा में और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, माइंड थका रहेगा। विशेष से 3 से लेकर 18 अगस्त के बीच में, 3 से 18 के बीच में आप कोई भी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम, यदि आपकी च्वाइस हो विदेश जाने के लिए या किसी भी कारण से, एग्ज़ाम्स को टाल दीजिएगा गिरती ऊर्जा के प्रति। इन माह में ज़्यादातर कोई ना बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं ना यूनिवर्सिटी के, इसलिए अपनी च्वाइस से कोई भी एग्ज़ाम 3 से 18 अगस्त के बीच में आप ना दें। अगला जीवन का क्षेत्र है नौकरी तथा व्यापार। व्यापार नौकरी, सरकारी नौकरी होगी तो नेगेटिव पीरियड है, 7 से 18 अगस्त के बीच में, उसमें भी 3 से ही शुरू हो जाएगा। प्राइवेट जॉब जो है वो एवरेज सी रहेगी 24 तारीख के उपरांत। 24 के उपरांत थोड़ा आपको मेहनत और नैतिकता पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। 24 के उपरांत विदेश में नौकरी मिलने के योग है, सोच समझ के ड्यू डिलिजेंस करके आप जो है जा सकते हैं, और जाने का मौका 7 तारीख के बाद मिल जाएगा। गृह स्थिति थोड़ी बनेगी, परंतु निर्णय सोच समझ के लीजिएगा। धन तथा आर्थिक स्थिति, नौकरी में धन तनाव के साथ आएगा, रुका धन फंस सकता है, ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं आपके शिक्षा को लेके, थोड़ी दुर्घटना को लेके, माता जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेके, विशेष करके 24 तारीख के उपरांत। और संपत्ति के ऊपर किराए में कमी हो जाना, कोई आपने गाड़ी बेची, घर बेचा, उसके कम पैसे मिलना, इस प्रकार का तनाव हो जाता है। आपको पैतृक स्रोतों में धन प्राप्ति के योग सिर्फ 3 तारीख है, उसके बाद नहीं मिलेंगे, इसलिए उससे बचिएगा। लॉस के योग हैं, कर्जा ना लीजिएगा ना दीजिएगा, झगड़े से बचिएगा। आपको इंश्योरेंस से जुड़ा खर्चा, गाड़ियों का इंश्योरेंस, स्वास्थ्य का इंश्योरेंस, या बैंकों की डिमांड या कानून से जुड़ी कोई डिमांड आ सकती है। रिश्वत लेना आत्मघाती होगा, जॉब को खतरा होगा, बचेगा। हेल्थ के ऊपर खर्चा हो सकता है, बैंक्स के लिए देनदारी, लोन्स की देनदारी और इंश्योरेंस की देनदारी, एक्सपेंसेस सब आ सकते हैं। पैसा थोड़ा टफ रहेगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब दोनों में ही आके निकल सकता है, जैसे मैंने अभी बताया। ग्रोथ नेगेटिव रहेगी। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में 24 से पहले धन ठीक है, 24 से पहले धन ठीक है आपका, और एक्सपेंसेस जो हैं थोड़े ज़्यादा होने से आपके पास आया धन निकल सकता है, एक्सपेंसेस से बचिएगा। और लोहे में मंगल का क्षेत्र है, बिजली हुआ, खेतीबाड़ी हुआ, चिकित्सा हुआ, इन सब में धन अच्छा आपका आ सकता है, इनमें धन अच्छा आपका आ सकता है, परंतु आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना, नया व्यापार आरम्भ करना या रिश्वत लेना देना, बैंकों से इनकम टैक्स के खर्चे आ रहे हैं और 24 के बाद ज़्यादा आ रहे हैं, तो सावधान रहना पड़ेगा। पैतृक स्रोतों को लेकर केयरफुल रहें, झगड़ा ना करें। हेल्थ के ऊपर खर्चा आ सकता है, इंजरी वगैरह या परिवार के सदस्यों हेतु, और 3 से 18 अगस्त में ज़्यादा होगा। ग्रोथ नेगेटिव रह सकती है, नेगेटिव ग्रोथ का पीरियड है, इसलिए नया व्यापार आरम्भ करना या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना या नई पार्टनरशिप करना हानिकारक होगा, इसलिए ना करें। प्रेम विवाह तथा रिश्ते, प्रेम में साधारण समय 24 के उपरांत विदेश में प्रेम के योग हैं, परंतु ये तनाव का समय, प्रेम संबंधों से बचेगा, रिस्क रह सकता है, जरा भी इसे ना करिएगा। 24 तारीख के उपरांत रिस्क बढ़ जाता है, और 3 से लेकर 18 अगस्त के बीच में जो आपके प्रेम संबंध होते हैं और इससे टूट जाते हैं। प्रेम संबंध जो है 7 के उपरांत जो है वो नेगेटिव हैं,
आप बिल्कुल चक्कर में ना पड़िएगा किसी प्रकार भी, उसमें धोखे के योग है। विवाह की बात करें तो केयरफुल हैं आप, जो है कुंडली इत्यादि मिला के आप जो है उसके विवाह के बारे में सोचें। और जब आप कुंडली इत्यादि मिला रहे हैं तो पूरा बैकग्राउंड चेक करें। मैरिड लाइफ में आपका अपने साथी के और अपनी सेहत, पैसा और कुंडली मिला के विवाह करना ठीक रहेगा। रिश्ते जो हैं नौकरी व्यापार फैमिली हर जगह पे संभल कर चलना पड़ेगा, हर चीज़ अव्यवस्थित है ऑर्गेनाइज हो जाए। अब बात करें पूजा पाठ या उपाय की, सावन का महीना है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बल मास भी इसे कहते हैं, तो श्रावण का महीना है तो शिवलिंग की पूजा अत्यधिक शुभ रहेगी। आप काठमांडू का या नर्मदा का कोई भी शिवलिंग हो, यदि चांदी या सोने का मिलता तो और शुभ, तो आप जो है भांग बेलपत्र धतूरा इत्यादि से और देसी घी अथवा शहद से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। 3, 1 और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर मिलते हैं तो धारण कर लें। पीला पुखराज पन्ना मूंगा धारण करने के लिए अति उत्तम रहेगा। हर शनिवार या सोमवार को, श्रावण के सोमवार को चने की दाल, काले उड़द, मीठा यानी चीनी, गुड़ और मूंग की दाल, इसका दान करना शुभ रहेगा। आप गायत्री मंत्र अथवा गुरु का ओम ग्रह ग्री गणोसा गुरुवे नमः, शनि का ओम प्राण प्री प्रणसा शनि नमः, मंगल का ओम ग्रह ग्री करोसा भुमाय नमः अथवा हनुमान चालीसा, बुध का ओम प्राण प्री प्रणसा बुधाय नमः अथवा गणेश मंत्र, या महामृत्युंजय गायत्री या हनुमान चालीसा, तीनों मंत्रों का जाप करें लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।